विवान को मुंह दिखाने का तो औरत ही नहीं बन पा रहा है। तुम नकाबपोश? मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं? मुझे तो समझ ही नहीं रहा है कि कौन नकाबपोश? मैं आपको नहीं जानता आंटी। नकाबपोशी हो ना? ये ड्रेस तो भाड़े से लाया हूँ मैं। वो गणपति में सांस्कृतिक कार्यक्रम है ना, उसमें फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहा हूँ मैं, इसलिए। ओके बाय आंटी। अरे पर सुन, ये क्या रायता फैल गया? मैं तो विवान को अपना असली चेहरा दिखाने गया था, लेकिन देवकी जी ने देख लिया। क्या करूं? आइडिया, देवकी जी ने मुझे देबू के रूप में अब तक नहीं देखा। अगर मैं अपना देबू वाला रूप बदल लूं, तो उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि मैं ही नकाबपोश हूं। इसमें तो आधा ही फेस कवर हो रहा है, कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। बेटर देबू। मुझे लगा चोर घुसा है घर में, लेकिन ये दाढ़ी मूछ रातों रात कैसे आ गई? जादू से। जादू से? अब मेकअप के जादू से। ये असली नहीं है, मेक है। बोलो नहीं सुनो, देख तो सर पे लगाते हैं ना। मेरा मतलब है नकली दाढ़ी मूछ है वहाँ। वो देख रहा था कि मैं बड़ा होने के बाद कैसा लगूंगा। देबू चाचा जी। हा? चाचा जी लग रहे हो इस दाढ़ी मूछ में तुम। निकालो इसे। नहीं नहीं मामा, मामा, निकालो। दर्द होगा। नकली दाढ़ी मूछ है, दर्द क्यों होगा? ऐसा लग रहा है घास फूस उगा लिए चेहरे पर, निकालो। सुपर सुपर कम से लगाए माँ, इसलिए इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। थोड़ा थोड़ा टाइम दे दो, मैं खुद निकाल दूंगा माँ, प्लीज। हाँ लेकिन प्लीज निकाल देना इसे। हाँ शाम को घर की सजावट करनी है और गणपति पूजा भी है, उससे पहले प्लीज निकाल देना। प्रॉमिस प्रॉमिस। सॉरी। निकाल दो। माँ को तो दाढ़ी मूछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया। That means, देवकी जी के सामने दाढ़ी मूछ लगाकर चेहरा छुपाने का आइडिया कैंसल। बालवीर, फौरन वीरलोक पहुंचो। सॉरी। आपने इतनी जल्दबाजी में मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें कहा था बालवीर कि तिमनासा का अंत हो जाने का मतलब ये नहीं होगा कि इस ब्रह्मांड से बुराई पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब कहना क्या चाहते हैं शौर्य? यही कि जिसका मुझे अंदेशा था वही हो रहा है। एक नई और भयानक बुराई ने अपना सिर उठाया है। एक और बुराई? मतलब एक नई विल फोर्स? शौर्य कौन है वो? इस बुराई का चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है अभी तक, लेकिन इस बुराई का जन्म धरती की गहराई से हुआ है और उसके अंदर तिमनासा से भी कई गुना ज्यादा जहर भरा हुआ है। मुझे लगता है सही समय आ गया है नकाबपोश के नकाब को हमेशा के लिए उतारने का, क्योंकि इस नई बुरी शक्ति से लड़ने के लिए मुझे अपने बालवीर वाले रूप और उसकी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो अभी तक तुमने विवान को अपनी पहचान क्यों नहीं बताई? हर बार मैंने विवान को सच बताने की कोशिश की, लेकिन कोई ना कोई अड़चन सामने आ जा रही थी। या फिर यह भी हो सकता है कि नियति तुम्हें यह काम करने से रोकना चाहती है। यस, आप सही कह रहे हैं शौर्य। नियति भी यही चाहती है कि हम विवान को थोड़ा और समय दें, क्योंकि विवान का मन पहले से ही कई सारे रहस्यों के दबाव में है। अब अगर उसे यह पता चलता है कि देबू ही नकाबपोश है और नकाबपोश ही बालवीर है तो इतने सारे राज छुपाने के दबाव में
विवान बिखर सकता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस मुश्किल समय में मेरा काम है विवान को सहारा देना, ना कि उसे और दबाव में डालना। तो फिर नकाबपोश के मुखौटे को सही समय आने तक अपने चेहरे पर लगा कर रखो बालवीर। गुड वर्क बेटा। थैंक यू अंकल। देबू भैया, संभल के। देबू भैया, वैसे क्यों खड़े हो? जैसे आपके गर्दन में, आपके कमर में, आपके घुटने में एक साथ मोच आ गई है। वो अनन्या और उसके माने मुझे देख लिया ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? तुम गलत समझ रहे हो विवान। वो अनन्या और उसकी मम्मी ने घर के बाहर सजावट करने के लिए मुझे बुलाया था। अब अपने घर पे सजावट कर रहे हैं, उनकी हेल्प नहीं कर रहे, उन्हें थोड़ा बुरा लगेगा ना इसलिए। अरे फिकर नॉट देबू भैया, मॉम को कुछ बुरा नहीं लगेगा। अब आप सीधे खड़े रहिए, वरना अगर आपका बैलेंस बिगड़ गया ना तो आप गिर भी सकते हो। हाँ। और देखो, डेकोरेशन भी ठीक से नहीं हो रहा है, जरा आराम से कीजिए। ऑलराइट, सॉरी सॉरी। रिंकू, क्या कर रहे हो बेटा? माँ, मैं ना ये स्टिकी सॉल्यूशन को ग्राउंड पर रंगोली से मैच कर रहा हूँ, और फिर उसके ठीक 6.30 सेकंड्स बाद मैं इन फूलों को इससे अटैच कर दूंगा, और फिर उसके ठीक 15 मिनट बाद ये फूल इससे चिपक जाएंगे, और फिर हमारी रंगोली कोई नहीं बिगाड़ पाएगा, वो चिंटू भी नहीं। मेरा राज है बेटा, गुड जॉब। थैंक यू। बच्चों, लो जूस पी लो, बॉडी में एनर्जी आएगी ना। कितनी देर से काम कर रहे हो तुम लोग? पेट में मोम का बना हुआ मिल्केक अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ, और अब मैं जूस कैसे पीऊंगा? अरे अरे देबू, आराम से। माँ, बहुत ही टेस्टी था, थैंक यू सो मच। थैंक यू विवान। हाँ, तो जूस को इतनी देर से घूर क्यों रहा है? मैं? अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं जूस को घूर नहीं रहा हूँ, मैं तो जूस को निहार रहा हूँ। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल किसी पेंटर की पेंटिंग की तरह। बोलो नहीं, सुनो, पूरा का पूरा जूस फिनिश करना है। हाँ, एक घंटे से कुछ नहीं पिया है तूने, चल पी पूरा जूस। हाँ अरे मम्मी, आपको कुछ काम होगा ना, आप जाइए। मुझे कोई काम नहीं है, मैं खड़ी हूँ यहाँ, मेरे सामने पी, चल पीना। चलो जल्दी जल्दी खत्म करोगे? हाँ, मम्मा आती है जल्दी से। माँ के सामने बालवीर भी नहीं बन सकता, अब रिंकू को कैसे बचाऊं? जाओ विवान, और बालवीर होने का फर्ज निभाओ।
रोड तो नहीं आई। देखो देखो बेटा, नहीं मुझे बालवीर ने बचा लिया। तुम सच सच बोलो, तुम बाहर कैसे आए? सच्ची माँ, मुझे बालवीर ने बचाया है। तुम्हें बालवीर ने बचाया हो या किसी ने भी, तुम ठीक हो ना? बस मेरे लिए यही काफी है। I'm so happy. वैसे बालवीर किधर है? तुमने उसे अपनी आंखों से देखा? Yes, yes. मैंने उसे अपनी नहीं देखा, बट आई एम श्योर बालवीर ने मुझे बचाया, वरना आज तो मेरी लाइफ की बॉल बाउंड्री के पार चली जाती। भगवान का शुक्र है तुम बच गए। देखो भैया, थैंक यू सो मच। मेंशन नॉट विवान, बालवीर का बड़ा भाई हूँ, मेरी ड्यूटी है तुम्हारी हेल्प करना। भैया आप बालवीर के सिर्फ बड़े भाई ही नहीं, उसके गुरु भी हैं, और इसलिए तो आपके इंस्टिंक्ट्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है। बालवीर ने आज फिर से साबित कर दिया है कि जब भी कोई उसे दिल से बुलाएगा बालवीर जरूर आएगा। घटना भारत नगर की है, जहाँ 9 साल के रिंकू के साथ में बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी। वहीं रिंकू ने बालवीर को याद किया और बालवीर ने वहां आकर रिंकू को बचा लिया। वाह बालवीर वाह, देखो बेटा। पापा पापा बचाओ मुझे, पापा बचाओ मुझे, पापा बचाओ। कौन हुआ और मेरा बेटा कहाँ है? अपने नन्हे मुन्ने बच्चे से मिलना चाहते हो तुम? हाँ, बहुत प्यार करते हो उससे? गले लगाना चाहते हो? जैसे तुम्हारी इच्छा। कोई बचाओ हमें, बालवीर। घटना भारत नगर की है, जहां 9 साल के रिंकू के साथ में बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी। भारत नगर, देखो देखो भैया को देखकर ऐसा फील हो रहा है कि मालवीर वाली स्पेशल क्वालिटी अभी भी इनके अंदर एक्टिव है। विवान क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रहे हो? तमन्नासा के मरने के बाद और भी ज्यादा हैंडसम हो गया हूँ क्या मैं? अरे देबू भैया, आप तो ऑलरेडी हैंडसम हो, बट मैं तो ये सोच रहा था कि आप कितने हेल्पफुल भी हो, क्योंकि अगर आपने मेरी हेल्प ना की होती तो मैं रिंकू की हेल्प कैसे कर पाता, इसलिए। अरे विवान, अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, ये सब सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, फालतू में टाइम वेस्ट होता है। राइट देबू भैया। वैसे देबू भैया, यहाँ के डेकोरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, सो अब हमें घर जाना चाहिए ना? यस यू आर राइट। एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं वो बाहर से रंगोली के कलर्स लेकर आता हूँ, माँ ने बोला था लाने। ओके देखो भैया, जल्दी आ जाना। भैया इसे भी जरा घोल घुमा देना। शौर्य ने वार्निंग तो दे दी मुझे कि एक नई बुराई आने वाली है, लेकिन ये नहीं बताया कि उस बुराई का सामना कैसे किया जाएगा। आखिरकार तमन्नासा ने मरने से पहले ये कौन सी चाल चल दी है? है क्या इस यंत्र में? हमा,
जल्दी आ रहा हूँ। कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है भारत नगर में, लेकिन क्या? अब अपनी आत्मा की गहराई से चीखो और बुलाओ अपने रक्षक बालवीर को। धरती वासियों के दिलों में जो बालवीर की महान छवि बनी है, उस छवि को एक बड़ा निशान बना दूंगा मैं। तैयार हो जा बालवीर, तेरे कीर्तिमान के सूर्य को ग्रहण लगने वाला है। देबू, तुम अकेले रंगोली बना लोगे ना? हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं रंगोली बना लूंगा। क्यों? ये अनन्या ऐसे क्यों देख रही है? कहीं देवकी जी ने नकाब पोश के बारे में इसे कुछ पता तो नहीं दिया? क्या बात है अनु, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही? तो हेलो, सेम क्वेश्चन तो मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ। इतनी डाउटफुल नजरों से क्यों देख रहे हो मुझे? तुम्हें तो डाउटफुल नजरों से ही देखना चाहिए। बेटर सेफ देन सॉरी। यू? तुम्हारी मॉम कैसी है? यू सो इंटरेस्टेड? वो नई नई आई है ना भारत नगर में, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उन्हें कैसा लग रहा है, ये जानने के लिए पूछा। उनको भारत नगर और यहाँ के लोग बहुत पसंद आए। वाह, नाइस। इनफैक्ट थोड़ी देर में वो करुणा आंटी से मिलने भी आने वाली है। लगता है देवकी आंटी ने अनन्या को अभी तक कुछ भी नहीं बताया कि अगर वो यहाँ आ गई तो मेरा सीक्रेट ओपन हो सकता है। What to do? Yes, idea. क्या हुआ? कुछ नहीं। अब ओ डब्बू, ये गणपति के फेस्टिवल में रंगोली से होली खेलने का कोई नया ट्रेंड है क्या? नहीं, मैं होली नहीं खेल रहा हूँ, मैं तो रंगोली बना रहा हूँ। अपने फेस पे कलर लगा के? वो हर एक कलाकार का खुद को इंस्पायर करने का अलग अलग प्रोसेस होता है। मैं अपने फेस पे कलर लगाता हूँ तो अपने आप रंगोली में रंग भर जाता है। अब ये मेरा प्रोसेस है तो। थैंक गॉड तुम किसी होटल में शेफ नहीं हो, वरना रोटी बनाने से पहले आटा अपने फेस पे लगा दो। मैं तो वो भी करता हूँ। मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है मिस्टर आर्टिस्ट, दिखाओ अपनी आर्टिस्ट गिरी। आओ 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 आओ। ये तुम रंगोली बना रहे हो, कबूतर को दाना डाल रहे हो? रंगोली बना रहा हूँ, मेरा स्टाइल है, बनाने दो। मैं अपने भाई के घर को ऐसे म्यूजियम नहीं बनने दूंगी। अरे तो मेरे भाई का भी तो घर है, मैं भी म्यूजियम नहीं बनने दूंगा। तुम रंगोली क्यों बनाओगी? छोड़ो। गड़बड़ लाइक ऑलवेज। गड़बड़ मैंने नहीं, तुमने। अरे नीचे देखो। क्यों देखूं? अरे अनन्या नीचे तो देखो। ओह वाओ, सो कूल। मुझे लगता है हमें फाइटिंग पार्टनर्स बन जाना चाहिए, ऐसे ही झगड़ते मस्त स्टार्ट बनाएंगे। ओह हेलो हेलो, जो भी बोलना है जल्दी बोलो। तुमने कभी डोंकी और हॉर्स को फ्रेंड्स बनते हुए देखा है? अनन्या ऐसे खुद को डोंकी मत बोलो, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी तो चीज होती है। हाँ यू डबू, माइंड योर बिजनेस। यू माइंड योर ओन बिजनेस। डबू भारत नगर। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, हाथ है मेरे लंबे दो,
मौत का मजा तुझे चखाऊंगा। बालवीर, मैं तुझे रुलाऊंगा। भारत नगर की तबाही देखने के लिए तैयार हो जाओ बालवीर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।